आज मैं आपको परवल की बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनाना बता रही हूँ। इसके लिए आप परवल ले, उसे छील के अच्छी तरह से धो के और दो टुकड़ों में कट करके रख लें और इसे हल्के से ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई कर लें। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी करके निकाल सकते हैं, यह आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे फ्राई करें। मैंने इस तरह से हल्का सा ऑयल के साथ इसे फ्राई करके रखा है। इधर मैं एक कुकर में 2 टेबलस्पून ऑयल लूँगी। सरसों का तेल मैंने लिया है और उसे मैं गर्म होने दूँगी। इधर हमारे पटल भी फ्राई हो गए तो मैं उसे गैस बंद करके साइड में रख लिया है। अब मैंने तेल में 1 छोटा चम्मच खड़ा जीरा डाला है, 2 मैंने लाल मिर्च डाले हैं, थोड़ी सी मैं इसमें हींग डाला है और 1 बेलिप्स डाला है, 2 बड़े प्याज को मैंने फाइनली चॉप करके डाला है। आप यदि मीडियम साइज़ के डालें तो आप इसमें 4 प्याज डालें। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालूंगी। उसके बाद उसे भी मैं अच्छी तरह से चला के भून लूंगी। जब हमारा अदरक लहसुन थोड़ा भुन जाएगा तब मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड करूंगी। जैसे मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर और 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाला है और उसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसे भूनूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूंगी जिससे कि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना और हमारे जो मसाले हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से भून जाए। अब मैं इसमें 4-5 हरी मिर्च डालूंगी और हरी मिर्च को मैंने बीच से चीरा लगा के इसमें डाला है। इसके बाद मैं 1 चम्मच कसूरी मेथी डालूंगी और उसे भी मैं इसमें अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लूँगी। सारे मसाले जब हमारे इधर भून रहे हैं तब मैं आपको दिखाती हूँ कि इधर मैंने तो मैं 2 बड़े प्याज टमाटर को फाइनली पीस लिया था उसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी और उसी के साथ मैं इसमें 2 चम्मच नमक भी डालूँगी और नमक को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। इधर देखिए मैंने 150 ग्राम चने की दाल ली थी और उसे मैं अच्छी तरह से सोक करने के लिए 4-5 घंटे के लिए रख दिया था। अब उसे मैं धो के अच्छी तरह से मैं इसमें डाल दे रही हूँ। सारे चने की दाल को आप मसाले के साथ डाल दें और 5 मिनट तक उसे भी कंटिन्यू चलाते हुए भून लें। जब सारे मसाले और चने की दाल थोड़े भुन जाएंगे तब आपने जो पटल भून के रखा था उसे भी आप इसमें डाल दें और 2 मिनट के लिए आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें और थोड़ा भून लें ताकि ये जो सारे मसाले और चने की दाल पटल के साथ अच्छे से भून जाए। अब आप इसमें पानी ऐड करें, मैंने 1 ग्लास पानी डाला है और उसे मैं अच्छी तरह से सब्जी के साथ मिक्स कर दूंगी और 1 विसल आने तक मैं इसे पकाऊंगी। जब हमारी सब्जी अच्छी तरह से 1 विसल आने के बाद पक गई है तो देखिए ये हमारी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसे चलाते हुए देख लूँगी कि हमारी जो दाल है वो गली है कि नहीं। दाल को हल्का गलाना है बस। इस टाइम में यदि दाल अच्छे से गल गया है तो उसमें कुछ धनिया की पत्ती डालें और उसे मिक्स करें और यदि नहीं गली है तो थोड़ी देर और पकाएं और देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। तो मैं आशा करती हूँ ये बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी परवल की सब्जी आपको अच्छी